स्ट्रीट स्टाइल खस्ता कचौरी और आलू की सब्जी, आहा देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फूड दीक्षा में। आज हम आपके लिए लाए हैं दिल्ली की स्ट्रीट स्टाइल मशहूर खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्जी। ये बनाने में बहुत ही आसान है, टेस्ट एकदम लाजवाब है, आपको इसको खा के एकदम मजा ही आ जाएगा। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट डिश है। आप इवन इन खस्ता को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, 3 से 4 दिन के लिए खराब नहीं होती, और माइक्रोवेव में गर्म करके आप इनको सर्व कर सकते हैं। ये गेस्ट्स के लिए घर में ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स में खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 2 कटोरी मैदा ले लिया है, ये मैंने इस साइज़ की कटोरी यूज़ करी है। अब हम इसमें मोयन डालेंगे। मोयन के लिए हम इसमें पहले 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब हम देसी घी को अच्छे से मैदा में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें पहले ये देखना होता है मिक्स करते वक्त कि मैदा अच्छे से बाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। हम इसको हाथ से अच्छे से मसल मसल के मिक्स करेंगे। पूरी मैदा में देसी घी अच्छे से मिक्स होना चाहिए, कहीं रह जाएगा तो फिर खस्ता में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने इसको अच्छे से चारों तरफ मिक्स कर लिया है, और इसके बाद हम मुट्ठी बना के चेक करेंगे कि मोयन सफिशिएंट है कि नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, मुट्ठी में से मैदा बिखर गई है, इसका मतलब मोयन अभी कम है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब देसी घी और ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर से उसको अच्छे से मिक्स करेंगे मैदा में। फ्रेंड्स, अगर मोयन कम रह जाता है तो हमारी खस्ता उतनी फोकी नहीं बनती, तो ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बार बार चेक करना होगा कि सफिशिएंट मोयन हमारी मैदा में गया है कि नहीं गया है। इस तरीके से हमने दोबारा अच्छे से घी को मिक्स कर लिया है, और 2 से 3 मिनट इसे मिक्स करने के बाद हम फिर से चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मुट्ठी अच्छे से बंध गई, मैदा अच्छे से बाइंड हो रही है, इसका मतलब ये है कि मोयन सफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैदा को अच्छे से मार लेंगे। फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा पतला डो नहीं मारना है, हल्का सा सख्त डो ही रखना है। तो आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे पानी ऐड कर रहे हैं, और अच्छे से इसको हमने मार लिया है। अब हम मैदा को एक हल्के गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे, और इसे आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक कि मैदा तैयार हो रही है, तब तक हम आलू की सब्जी की प्रिपरेशन चालू करते हैं। यहाँ हमने 4 आलू लिए हैं जिसको हमने छील के काट कर रख लिया है, और 2 टमाटर लिए हैं जिनको कि हमने चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्च ली हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने कुकर में 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है, और इसमें हम डालेंगे अब थोड़े से खड़े मसाले। इसमें हमने सबसे पहले एक तेज़पत्ता लिया है जिसे हमने तोड़ के डाल दिया है, और 2 लौंग और 4 काली मिर्च के पीस डाले हैं। इसके अलावा हमने थोड़ी सी क्रश्ड कसूरी मेथी डाली है, और 1 छोटी चम्मच जीरा डाला है। अब हम इसमें चॉप्ड हरी मिर्च ऐड करेंगे, और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से घी में मिक्स करेंगे। सब चीज़ों के फ्लेवर्स घी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे इससे। अब फ्रेंड, इसके बाद हम इसमें जो हमने टमाटर चॉप करके रखे थे वो ऐड कर दिए हैं, और उसको भी हल्का सा चला दिया है। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और उसके अलावा हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा मिर्च करनी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मेरे को इतना ही सही लगता है। अब हम इसके अलावा इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक टमाटर गलाने के लिए, और हम इन सबको अच्छे तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि ये पक रहा है, तब तक हम पिट्ठी बना लेते हैं। पिट्ठी के लिए हमने ये हल्दीराम की मूंग दाल नमकीन का पैकेट यूज़ किया है। हमने यहाँ 1/2 बोल के करीब मूंग दाल ली है। हम सबसे पहले इसको मिक्सी में चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सी में हमने इसे चला लिया है, और ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमारे पास आई है। फ्रेंड्स, अभी पिट्ठी पूरी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन हमारे टमाटर भुन चुके हैं अच्छे से, तो हम पहले सब्जी की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें हमने जो आलू काट कर रखे थे वो ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आलू की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, तो मैंने दम आलू की रेसिपी चैनल पे शेयर करी हुई है, उसकी लिंक इस वीडियो के एंड में आएगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे सारे आलू ऐड हो चुके हैं, और अब हम उन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हमारे मसाले में। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आ रहा है, मन तो अभी खाने का कर जा रहा है, बट अभी कच्ची है सब्जी। अब हम इसमें 2 कटोरी के करीब पानी ऐड करेंगे।
और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स सब्जी नियरली नियरली तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, और फिर उस नमक को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम कुकर की लिड को ढक देंगे। फ्रेंड्स मेरा छोटा कुकर है तो इसमें मुझे 4 से 5 सीटी लेनी होंगी, अगर आपका बड़ा है कुकर तो आप इसमें 2 सीटी ले सकते हैं। और अब हम पिट्ठी का बनाने का प्रोसेस दोबारा चालू करते हैं। इसमें हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब घी में हमने थोड़ा सा हींग ऐड किया है और अब हम इसमें थोड़ा सा ही जीरा डाल रहे हैं और दोनों को अच्छी तरीके से भून रहे हैं। जैसे ही जीरे का कलर चेंज होगा हम उसमें हमारी जो मूंग दाल हमने पीस के रखी थी वो ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें मूंग दाल हमारी डाल देंगे और फिर मूंग दाल को घी में अच्छे तरीके से चलाकर हमें मिक्स करेंगे। हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब नमक। फ्रेंड्स नमक कम ही ऐड करिएगा बिकॉज दाल में भी काफ़ी अमाउंट में नमक होता है, तो मैंने बहुत कम ऐड किया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मसालों को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी हाथ में लेंगे और उसको इसमें ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा पानी लेना है। फ्रेंड्स इससे ना हम पिट्ठी की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसी के साथ हमारी पिट्ठी तैयार है, चलिए खस्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मैदा थी जिसे हमने रखा था माड़ के, अब हम इसमें थोड़ा सा इसको फिर से माड़ेंगे। जितना हम इसे अच्छे से माड़ेंगे उतनी ही बढ़िया हमारी खस्ता बनेगी। अब हम लोई तोड़ लेंगे, उसको पूरा अच्छे से सर्कल बना लेंगे हाथ में। हम सबसे पहले थोड़ा सा घी चकले पर लगाएंगे, उसको अच्छी तरीके से रब करेंगे और फिर लोई को उसके ऊपर थोड़ा प्रेस करेंगे। इसको बेलन की मदद से हमें थोड़ा सा बड़ा करना है और अब हम इसमें पिट्ठी भरेंगे। फ्रेंड्स 1/2 चम्मच के करीब पिट्ठी भरी है मैंने, आप भी उतनी ही भरिएगा बिकॉज अगर हम ज़्यादा भर देंगे तो वो तलते समय फट जाएगी। अब हम सारे एंड्स को जॉइन करके इसको अच्छे से बॉल की शेप में बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से बंद कर देते हैं, ऊपर से थोड़ा प्रेस करके इसको फ्लैटन कर दिया है हमने दोनों तरफ से। अब हम बेलन की मदद से धीरे धीरे बेलेंगे, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत हल्के हाथ से बेलना है। ये देखिए नॉर्मल खस्ता के साइज़ का ये बन गया है। इसी तरीके से हम सभी कचौड़ियों को बेल कर रख लेंगे। फ्रेंड्स मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया था, ये अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए ये मैदा का पीस कितने अच्छे तरीके से ऊपर आया है, इसका मतलब है कि तेल खस्ता के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें खस्ता ऐड कर रहे हैं, मैं एक बार में 4 खस्ता ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे तरीके से ऊपर उठ कर आया है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से सिक रही है। अगर फ्रेंड्स ये ऊपर उठ के नहीं आता है तो हम इसे हल्का हल्का सा पैट करेंगे ऊपर से। हम इन्हें दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सेक लेंगे, हल्का सा देखिए कलर चेंज हुआ है नीचे की तरफ से। अब जैसे ही इनका कलर हल्का सा हमें दोनों तरफ से लाइट ब्राउनिश लगेगा हम इन्हें उतार लेंगे। ये फ्रेंड्स तैयार हो गई हैं खस्ता हमारी, हम अब इन्हें उतार रहे हैं। फ्रेंड्स ये खस्ता बहुत ही फोकी बनेंगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, आपको इन्हें खा के एकदम मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, एकदम बस बनाते बनाते ही मुँह में पानी आ जाएगा, खाने का वेट ही नहीं होगा आपसे। ये देखिए अब हमने फ्रेंड्स आलू की सब्जी भी बंद कर दी थी, उसका प्रेशर भी खुलने वाला होगा, चलिए आलू की सब्जी देखते हैं। ये हमारी सब्जी भी एकदम रेडी है। खस्ता के साथ जो आलू की सब्जी सर्व होती है उसमें आलू के पीसेस काफ़ी छोटे होते हैं, तो हम कलची की मदद से आलूओं को क्रश कर लेंगे। सब्जी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होती है, वो जब सब्जी ठंडी होगी तो अपने आप कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स अब हम इसको बोल में डाल रहे हैं और हम अपनी टेस्टी खस्ता कचौड़ी को सर्व करने की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स हमारी खस्ता कचौड़ी विद आलू की सब्जी एकदम तैयार है, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। इसको आप हरी मिर्च के साथ सर्व करें, मज़ा ही आ जाएगा खाने में। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरी पाव भाजी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो राइट वाली लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और दम आलू की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।